आज हम सूजी का बर्फी बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम एक कढ़ाई गरम कर लिए हैं और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 कप घी ले लिए हैं, तो इसमें हम घी को डालेंगे और थोड़ा सा घी हम बचा लेंगे, इसे हम लास्ट में इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ हम 1 कटोरी भर कर सूजी ले लिए हैं, अब इस घी में हम इसे फ्राई करेंगे, इसे हम चलाते हुए अच्छे से फ्राई करेंगे। इसे डार्क नहीं करना है, बस सूजी थोड़ा फूला फूला लगने लगे, फ्राई होने के बाद खुद ही पता चल जाता है, इसको कलर को डार्क नहीं करना है। तो सूजी को हमें हाई फ्लेम पर नहीं भूनना है, इसे मीडियम से लो फ्लेम पर ही भूनेंगे। सिर्फ ये खिला खिला दिखने लगे उतना ही भूनना है, ज़्यादा डार्क कलर इसका नहीं करना है हमें। लगातार चलाते हुए इसे भूनेंगे ताकि हमारा सूजी कढ़ाई में चिपके नहीं और नहीं जले। तो यहाँ हमारा सूजी भुंजा गया है, देखिए ये भून चुका है, खिला खिला दिख भी रहा है, फूला फूला सा। अब हम इसमें क्या करेंगे, फ्लेम को एकदम लो रखेंगे और इसमें हम 1 कप दूध ऐड करेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो दूध डाल सकते हैं और अगर अच्छा नहीं है तो नहीं डालिए। ऐसा नहीं है कि बिना दूध के हमारा ये बर्फी अच्छा नहीं बनेगा, ऐसे भी बहुत अच्छा स्वाद आता है इसको। देखिए इस तरह से हम सूजी को एकदम मिक्स कर लिए हैं, दूध में एकदम मिक्स हो गया है, इसमें गांठ नहीं रहने देना है, तभी हमारा बर्फी अच्छा बनेगा। और दूध में मिक्स हो करके सूजी और भी अच्छा दिखने लगा है, ये देखिए। तो अब चलिए हम इसे 1 प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इसे हम 1 प्लेट में निकाल लिए हैं। तो हम यहाँ एक कढ़ाई ले लिए हैं और 1 गिलास पानी इसमें डाल लिए हैं और यहाँ हम चीनी ले लिए हैं जो कि 1 कटोरी है। आप मीठा अपने अकॉर्डिंग डालिए, ज़्यादा मेरे यहाँ मीठा कोई नहीं खाता है इसलिए थोड़ा कम ही लिए हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से चाशनी बनाएंगे, चाशनी को हम अच्छे से पकाएंगे। तो यहाँ चीनी पानी में देखिए कितने अच्छे से घुल गया है। अब हमें इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर चाशनी को बनाना है चलाते हुए। और चाशनी हमारा बनकर रेडी है, अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि ये अच्छा से बना है या नहीं। ये देखिए हम इसे इस तरह से चेक करेंगे, ये इस तरह से चेक करेंगे। तो ये देखिए एक तार बन रहा है। 1 चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे जो कि हम घड़ी में छील कर कूट लिए हैं इलायची को, अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे जो भून कर सूजी रखे थे उसे डाल देंगे। तो देखिए यहाँ सूजी को हम चाशनी में डाल दिए हैं, अब हम इसे पका लेते हैं। सूजी को हम इसमें तब तक पकाएंगे जब तक ले सूजी कढ़ाई को छोड़ ना दे और घी, लो फ्लेम में ही इसे पकाएंगे हम। सूजी का बर्फी बहुत ही आसानी से और जल्दी बन जाता है, इसमें कोई मेहनत ज़्यादा नहीं है और ना ही कोई तामझाम है। तो इधर हम लो फ्लेम पर सूजी को पका रहे हैं और इधर हम एक थाली ले लेते हैं और इसमें हम थोड़ा सा घी डाल देते हैं और इस थाली में हम चारों तरफ घी से कोट कर देंगे ताकि हम इसमें सूजी का बर्फी काटने में आसान हो। ये देखिए सूजी हमारा कढ़ाई को छोड़ने लगा है, ये देखिए जो हम घी को बचा करके रखे थे उसको भी हम इसमें डाल देंगे और इसे भी हम 5 मिनट इसके साथ पका लेते हैं। यहाँ पर हम घी डालने के बाद 5 मिनट सूजी को पका लिए हैं। अब हमारा सूजी परफेक्ट पका है या नहीं इसे हम अब चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए यहाँ पर हम 1 प्लेट लेंगे, सूजी को निकाल लेंगे थे इस तरह से करेंगे। तो सूजी हमारा एकदम अच्छे से पक गया है, अब इसे हम बर्फी बना सकते हैं। इस तरह से हाथ में लगना नहीं चाहिए, ये देखिए
हम इस थाली में सूजी को निकाल लेते हैं और इसे हम कटोरी के मदद से या किसी भी तरह से इसे फैला लेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में बादाम काट लिए हैं, इसे हम इस तरह से डाल लेंगे और इसे हम आधे घंटा के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आधा घंटा हो गया है और ये देखिए सूजी हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब हम इसे बर्फी के शेप में काट लेंगे। इस तरह से हम चाकू के मदद से काट लेते हैं। तो अब हम इसे निकाल के देखते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से हमारा बर्फी जमकर तैयार हुआ है और देखिए यहाँ पर कितने अच्छे से निकल भी गया है। तो आप एक बार इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें कुछ निकालते हैं। ये देखिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल कर रख लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा बर्फी बनकर बिल्कुल रेडी है। तो इसको बनाने के लिए घी का इस्तेमाल हम थोड़ा सा कम करेंगे, नहीं तो बर्फी जमने में दिक्कत करेगी। तो सूजी के अकॉर्डिंग ही इसमें हम घी को डालेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे।